तामिया में लगातार बारिश हो रही है। बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है, लेकिन वहीं ग्रामीणों की मुसीबत बढ़ी भी है। पूरे गांव में सड़कों की हालत बेहद खराब होने की वजह से ग्रामीण परेशान हैं। बारिश के पानी की निकासी ना होने के कारण सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने पानी निकासी की व्यवस्था की मांग की है। भारी बारिश के चलते तामिया में सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। बाजार में सड़कों के दोनों ओर नालियां ना होने की वजह से सड़कों पर पानी घुटनों तक भर गया है। सड़कों में पानी की वजह से तालाब का रूप बन गया है। लगातार जलभराव के कारण ग्रामीणों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सहित जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण के साथ ही नालियां बनाए जाने की मांग की है, ताकि पानी निकासी की समुचित व्यवस्था हो सके, सड़कों में पानी और कीचड़ से निजात मिल सके। जब से यहाँ कारोबार संभाला है, तब से तो ऐसा कोई मेरे सामने मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई, लेकिन अभी आप लोग के द्वारा मेरे संज्ञान में ये बात लाई जा रही है। हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या जा सकता है, जो कुछ करने की गुंजाइश होगी वो हम अपने स्तर पर जरूर करेंगे, और हमारे स्तर से नहीं होगी तो हम वरिष्ठ स्तर से भी करवाने का प्रयास करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।